आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुंजिया। होली स्पेशल गुंजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़ी कटोरी मैदा ले लिया है। अगर ग्राम्स में बोलूँ तो ये 400 ग्राम है। यहाँ पर लेंगे 1 छोटी कटोरी देसी घी। इसको हल्के हाथों से मैश करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको मैश करना है जब तक कि मैदा घी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इस तरीके से ये जब बनने लग जाए तो ये तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालकर इसको गूंथेंगे। टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। हल्का सा घी लगाएंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कटोरी घी और 2 कटोरी सूजी। कम आंच पर इसको हमें भूनना है तब तक कि अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। ये भून चुकी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बूरा, 2 कटोरी किशमिश, बादाम। अगर आपके पास और भी ड्राई फ्रूट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोला, किशमिश और बादाम डाले हैं। अब यहाँ पर हम खोया डाल देंगे कद्दूकस करके 1 छोटी कटोरी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो आटा लगाकर हमने तैयार किया था वो सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गुजिया बनाएंगे, छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और उनको बेलेंगे। इस तरीके से बीच में रखेंगे। अब इसको चारों साइड से दबाएंगे। गीले हाथ से थोड़ा सा पानी लेकर इसको चारों तरफ से दबाएंगे। टाइट बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा जो आटा है उसको हटा देंगे। बनकर तैयार है गुंजिया। सारी गुंजियों को इस तरीके से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। रिफाइंड गर्म कर लिया मैंने यहाँ पर। गैस को जो है कम रखेंगे, नहीं तो गुंजिया जो है वो जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। हल्का गोल्डन कलर आने तक इनको सेकेंगे। अब इनको निकाल कर एक प्लेट में सर्व करेंगे। तैयार है स्वादिष्ट गुंजिया। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।